सब साथियों दक्षिण भारत का, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और नारियल का वो जो स्टेट है ना, वो सभी आ चुका है। वो आटा दे रहे 27 रुपीस में, और चावल दे रहे, वो पल्सेस दे रहे 60 रुपीस में, और प्याज दे रहे 25 रुपीस में। ऐसा ही हमारा ये नारियल का तेल है ना, एफेड में खरीद रहे वो 102 रुपया अभी बेच रहे, वो कॉर्पोरेट कंपनी वालों को वो 60 रुपए में बेच रहे। सब्सिडी प्राइसेस जो जा रहे है मलेशिया और श्रीलंका, अन्य राष्ट्र को जा रहे है, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं नारियल तेल भी सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। कोपर तेंगाय नाप्ट என்ற நிறுவனம் 110,000 மில்லியன் கொள்முதல் செய்திருந்தது. கொள்முதல் செய்திருந்த கொப்பர தேங்காயை 108 ரூபாய் 60 காசுக்கு கொள்முதல் பண்ணது. இந்த ஏழை விவசாயிகளிடம் அதே கார்ப்பரேட் கம்பெனி வெறும் 30 ரூபாய்க்கு தான் திரும்ப வாங்குவார்கள். இதனால் நாங்கள் அதை எண்ணெயாக பிழிந்து பாரத்தால் பாரத் नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, हम आपको बताते हैं इस समय हम लोग जंतर मंतर पर है। जंतर मंतर एक ऐसा स्थल है जहाँ पर अपनी आवाज को हर राज्य के लोग यहाँ पर आकर के अपना प्रोटेस्ट करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जो मौजूदा केंद्र की सरकार होती है उनसे अपनी मांगों को लेकर के यहाँ से एक ज्ञापन दिया जाता है इसी जंतर मंतर के द्वारा। यही जंतर मंतर पर बैठ करके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है। यही कर्नाटक से आए हुए ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन लोगों की मांग क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आप लोगों को ये बताता हूँ कि इनके जो बैनर के पीछे लगा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ नारियल किसान की जीविका बचाने के लिए, भारत दाल, भारत प्याज, भारत आटा जैसे भारत नारियल तेल का उपयोग शुरू करें। यानी कि अगर भारत के नाम से अगर एक ब्रांड बनता है तो उसको नारियल को जो है वो इनकी जीविका है, वो नारियल का ये लोग खेती करने वाले लोग हैं। ये अपने राज्य के अंदर में नारियल की खेती जो है उत्पाद है ये लगातार यहाँ से होता है। कई ऐसे भारत के जो राज्य हैं जहाँ पर नारियल की खेती करी जाती है, नारियल की उपजाऊ जो जमीन होती है, नारियल की उपजाऊ जमीन जो है वो वहाँ पर होती है, यही इनकी जीविका चलाने के लिए वही नारियल है। इसी नारियल को जो है एक ब्रांड बनाने के लिए, जिसको नारियल का जो ब्रांड है वो भारत के नाम से जो है उसको चालू किया जाए, जो नारियल का तेल है उसको भारत तेल के नाम से जो है वो चालू किया जाए। वहीं पर जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ये लोग, हम लोग एक बारी इनसे जानने की एक बारी कोशिश करेंगे। और आज ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो किसान है ये वो किसान है जिन्होंने अपने उत्पाद को जो है वो एक ब्रांड का नाम देने के लिए, जिसको भारत नारियल, भारत तेल के नाम से जो है उस उत्पाद को वो जो बेचा जाए। वहीं पर हम लोग एक बारी
इन लोगों के साथ में जुड़ते हैं और इनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनकी मांगे क्या हैं और इन मांगों को लेकर के आज भारत सरकार केंद्र सरकार से जो है वो किस तरीके का जो है वो अपना ज्ञापन देंगे। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, एक बारी हम सर से साथ में जुड़ते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो बसुराज है, कर्नाटक से मैं आया हूँ जी। अभी सभ्य साथियों दक्षिण भारत का तमिलनाडु केरला कर्नाटक और नारियल का वो जो स्टेट है ना वो सभी आ चुका है। हमारा तो एक डिमांड है, वो केंद्र सरकार तो अभी एक डिसाइड किया वो आटा दे रहे हैं 27 रुपीज़ में और चावल दे रहे हैं, वो पल्सेस दे रहे हैं 60 रुपीज़ में और पैस दे रहे हैं 25 रुपीज़ में। ऐसा ही हमारा ये नारियल का तेल है ना वो फेयर प्राइस में वो देना वो डिस्काउंट में दिया तो उसका नारियल का डिमांड भी बढ़ जाता। अभी नैफेड में खरीद रहे वो 102 रुपया अभी बेच रहे वो कॉर्पोरेट कंपनी वालों को, वो 60 रुपये में बेच रहे वो आगे दिन के लिए वो नैफेड भी कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हम लोग पूछ रहे हो वो ये फेयर प्राइस शॉप में वो जैसा वो आनियन आटा दे रहे ना ऐसा ही नारियल का तेल भी देना चाहिए। दिस इज अवर डिमांड। भारत प्याज, भारत आटा, भारत नारियल और भारत तेल के नाम से जो अपने ब्रांड को आप लोग एक मार्केट में उतारना चाहते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए अभी नैफेड में खरीद रहा है ना, जो केंद्र सरकार ने एक निर्धार किया अभी नैफेड में वो दे रहे हैं, वो आनियन भी दे रहे हैं कम रेट में और आटा भी दे रहे हैं, ऐसा ही वो पल्सेस भी दे रहे हैं। सो ऐसा ही हमारा नारियल का तेल भी देना चाहिए। हम लोग तो FPO में कर रहे हो मगर अभी पाम ऑयल का वो जो दे रहे हैं ना वो सब्सिडी प्राइसेस जो जा रहे हैं मलेशिया और श्रीलंका अन्य राष्ट्र को जा रहे हैं, इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं नारियल तेल भी सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहिए। दूसरे अलग जो राष्ट्र है, जो अलग देश है, वहाँ तक आप लोगों का नारियल का जो प्रोडक्ट है वो जाता है और क्या उसकी जो प्रॉफिट है उसकी प्रॉफिट से क्या केंद्र सरकार या किसानों को जो है वो क्या फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है फायदा, क्योंकि वो केंद्र सरकार ने बोलता वो FPO में कुछ ना कुछ नारियल के बारे में करना के लिए होता। अभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं वो पाम ऑयल का यूज कर रहे हैं ना, वो तबीयत में खराब हो रहा है तबीयत, वो मिक्सिंग का अडल्ट्रेशन हो रहा है उसका जो मिक्स कर रहे हैं ना, इसलिए तबीयत खराब हो रही है। इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं नारियल का तेल भी देना चाहिए नैफेड में वो खरीद कर रहे हैं ना, नारियल खरीद कर रहे ना वही ऑयल बना के देना। अच्छा, नारियल के तेल के अंदर में क्या लगता है आपको कि जो मिलावट जो हो रही है इसकी वजह से लोगों को भी परेशानी होगी, तो ये क्यों नहीं? हाँ ऐसा नहीं है क्या मद्रास जहाँ पे नारियल की खेती होती है वहाँ पर जो है आप लोगों को इस चीज का ब्रांड जो है बनाने का सौंपा जाए, क्या ऐसा? देखिए केरला और कर्नाटका और तमिलनाडु में हम लोग तो नारियल का तेल भी खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो सभी गलत न्यूज है। गलत न्यूज है जो लोग जो मिलावट कर रहे हैं, जो बाहर जाता है जब आपका उत्पाद तब वहाँ पे मिलावट हो रहा है, वो तो गलत न्यूज है। अच्छा, तो हम लोग तो जो हमारा कर्नाटक में जो उडुपी ऐसा ही मंगलूर है ना वो सभी वो बिना नारियल तेल वो खाना नहीं बनाता, वो ऐसा ही केरला पूरा वो नारियल का तेल भी बनाता वो अच्छा रहता। कर्नाटका और वो तमिलनाडु में हम लोग नारियल यूज कर रहे हो, ऐसा ही नैफेड खरीद रहे हैं ना, नैफेड में खरीद कर रहे हैं ना नारियल, वो कोपरा में वो ऑयल बना के सरकार को देना चाहिए। अभी जैसे कि बाकी जगह जो है वो सरसों का तेल यूज किया जाता है, खनिज पदार्थ है वो भी सरसों का तेल यूज किया जाता है, वहीं पर ये लोग सरसों के तेल की बजाय नारियल के तेल को यूज करते हैं, नारियल के तेल को ही खाते भी हैं क्योंकि अपने खाने वगैरह के अंदर में ये सब लोग डालते हैं। और ये कहने का मतलब है कि नारियल के तेल को जो है वो यूज किया जा रहा है, जिस तरीके से मिलावट वाली बात आती है तो ये बात सरासर गलत है, गलत न्यूज है कि मिलावट नहीं है। नारियल का तेल एक ऐसा खनिज पदार्थ है जिसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि पेड़ में से जब उसको उगता है खेती होती है तो इन लोगों की जीविका चलती है। अभी आप लोगों की जीविका जो है वो सिर्फ नारियल है? सिर्फ नारियल। हम लोग तो नारियल खाता रहता, नारियल में ही वो तेल गिल जो कि बनाता है ना घर में फूड वगैरह वो नारियल में ही करता हूँ हम लोग। तो अभी केंद्र सरकार से इस समय आप लोगों को क्या उम्मीद है और क्या लगता है कि आपको कितने समय के अंदर में इस आपकी बात को सुन लिया जाए? अभी 4 दिन हो गया अभी पासिंग का, वो हम लोग सोचा था अभी परमिशन मिला वो लेट दिया, इसलिए हम लोग जब हमारा जस्टिस मिला तो
हम लोग जाने वाला नहीं तो जाने वाला नहीं है। केंद्र सरकार तो ये सोच के ही तो बुलाना, हमारा एमपी लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट कर्नाटका तमिलनाडु केरला वाला एमपी शुड पुट प्रेशर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो एमपी वगैरह हैं वो लोग इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में दबाव बनाए ताकि इन लोगों की जो बातें हैं वो प्रमुखता से जो है वो केंद्र के अंदर में रखी जाए, संसद में ये बातें उठे, क्योंकि हमारे जो भारत का राज्य है जो तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तो ये नारियल की ही वहाँ पर जो है जिस तरीके से हम लोगों को अलग अलग राज्यों से चावल दाल गेहूँ जिस तरीके से मिलता है, उसी तरीके से हमें इनके राज्य से जो है वो नारियल का एक उत्पाद ऐसा मिलता है जो आज वो ब्रांड है और ब्रांड के नाम से ही वो लोग जो लगातार अलग अलग राज्यों में जो है बिक रहा है। बाकी हम लोग और भी लोगों से जुड़ते हैं एक बारी और इनसे भी एक बारी और जानने की कोशिश करते हैं। आइएगा जरा, कैमरा मैन से कहूँगा। धन्यवाद सर, क्या नाम है आपका? तमिल। तमिल, तमिल। பேர் காராமணி, தமிழ்நாடு விவசாய பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாவட்ட மதுரை மாவட்ட செயலாளர் மதுரை. ஐயா, அங்க கொப்பர தேங்காய் நாட் என்ற நிறுவனம் 110,000 மில்லியன் கொள்முதல் செய்திருந்தது. கொள்முதல் செய்திருந்த கொப்பர தேங்காயை 108.60 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் பண்ணது. அந்த கொள்முதல் பண்ண தேங்காயை திரும்பவும் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு, அதானி அம்பானி பாராசூட் பிவிடி போன்ற கம்பெனிகளுக்கு அதை வெறும் 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து கொண்டு இருக்கிறது. 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தால் இந்த ஏழை விவசாயிகளிடம் அதே கார்ப்பரேட் கம்பெனி வெறும் 30 ரூபாய்க்குத்தான் திரும்ப வாங்குவார்கள். இதனால் நாங்கள் அதை எண்ணெயாக பிழிந்து பாரத்தால் பாரத் வெங்காயம், பாரத் ஆட்டா என்று கோதுமைகளையும் பருப்புகளையும் கொள்முதல் செய்த இந்த மத்திய அரசாங்கம் மீண்டும் இந்த கொப்பரை தேங்காயை எண்ணெயாக அரைத்து ரேஷன் ஷாப்பில் இதை மீண்டும் மானிய விலையில் சப்சிடி விலையில் இந்த ஏழை எளிய விவசாய மக்களுக்கு வழங்க நாங்கள் கோரிக்கை வைத்து சென்னை சந்தர்ப்பந்தரில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். என்ன சொல்றீங்க? பாமாயிலை வெளிநாட்டுகளில் வெறும் 100 ரூபாய்க்கு கொள்முதல் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இங்கே ரேஷன் ஷாப்பில் 75 ரூபாய் மானியம், கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடியை வெளிநாட்டுக்கு தந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த மானியத்தை இந்தியாவில் இருக்க சவுத் இண்டியன்ஸ், நார்த் இண்டியன்ஸ் மக்களுக்கு சப்சிடி வழங்கி தேங்காய் எண்ணெயை ரேஷன் ஷாப்பில் சேல்ஸ் பண்ண கேட்டுக்கொள்கிறோம். 4 दिन आप लोगों के धरना प्रदर्शन को हो चुका है, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता हो क्या आपका प्रोटेस्ट जो है आगे भी जारी रहेगा? आगे भी जारी रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ना दे शुड कंसिडर अस, सो वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया, वी आर गिविंग सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग वोट आल्सो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कंसिडर वी आर द लिविंग विद कोकोनट, दैट्स वाई सो वी आर आस्किंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी आर पुटिंग प्रेशर टू कंसिडर एस ए नैफेड एंड एज वेल एज दे विल मेक भारत ऑयल, it is good for health, that's why we will not go until the justice coconut in the bharat oil. yeah. आप लोगों ने बात, अपने लोगों ने सबकी बात सुनी, मैंने हिंदी के अंदर में उसको ट्रांसलेट भी कराया और हमारे को ये बात नहीं समझ में आई, ये भाषा नहीं समझ में आई, लेकिन हमने ट्रांसलेट जो है वो हिंदी में करके कोशिश करी है कि आप लोगों तक ये बात ये पहुंच सके। बाकी हम लोग लगातार इनके साथ में अगर बने हुए हैं और लगातार हम लोग केंद्र सरकार से अपने निवेदन करेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से कि इन लोगों की बातें जो है वो मानी जाए ताकि इनका जो आने वाला जो राज्य है जहाँ पे नारियल की खेती
खेती होती है, इनको भी एक सुचारू रूप से जो है वो एक परियोजना यानी कि एक कहें कि रोजगार जो है वो इनका लगातार इसी तरीके से बढ़ता रहे और भारत के अंदर में जिस तरीके से लगातार भारत आटा, भारत गेहूं या भारत प्याज या भारत दाल के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से भारत के नाम से ही नारियल को जाना जाए, उसके ऑयल को जाना जाए भारत ऑयल के नाम से। बाकी इन्हीं खबरों के साथ में मेरे कैमरामैन राज के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद जय भारत।